हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नवनील के चैनल पर। ओहो, आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे होंगे ना कि हमारे चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आई हैं। क्या करें यार, इतना बिजी शेड्यूल है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। कंटेंट काफ़ी है आपके लिए, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। बट गाइस यार, आप लोगों का रिस्पॉन्स भी थोड़ा मज़ेदार नहीं आता है। तो यार, मज़ेदार रिस्पॉन्स अगर हमें मिलेगा तो हमारा भी मन करेगा कि हम डेली नई नई वीडियोज़ अपलोड करें। वैसे आज जो मैं वीडियो आपके सामने, जो व्लॉग आपके सामने आज मैं पेश कर रही हूँ, ठीक है, वो मेरा ब्यूटी रिलेटेड है। मींस आपके डेली रूटीन केयर में, डेली रूटीन केयर है। देखो, गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स को रिक्वायरमेंट होती है, और डेली केयर रूटीन तो बॉयज़ को भी करना चाहिए, उनके लिए भी बहुत बेटर होता है। लेकिन बॉयज़ सोचते हैं हम हार्ड हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं कुछ 4-5 प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आई हूँ, जो प्रोडक्ट मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ और उसका जो इफेक्ट है मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छा है। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से आपका कलर फेयर हो जाएगा। कलर कोई मैटर नहीं करता है, कलर चाहे आपका फेयर हो, चाहे आपका स्किन टोन डार्क हो, चाहे आपका मीडियम हो। लेकिन अगर आप डेली केयर रूटीन अपने स्किन पे करते हो, अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे करते हो, तो क्या होता है, हमारी जो स्किन है ना वो हेल्दी बनती है और स्किन पे ग्लो आता है। भाई, ग्लोइंग स्किन किसको अच्छी नहीं लगती। तो बस अपने स्किन को ग्लोइंग करने के लिए जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा हार्श केमिकल्स भी अपने स्किन पे यूज़ नहीं करने चाहिए। नॉर्मल हो आपकी स्किन का, स्किन पर जिनका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, तो उसी के लिए 4-5 प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। और आप यकीन माने, अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ एंड ब्राइट एंड फेस ग्लोइंग, ये तीनों चारों चीज़ें आपके फेस पर दिखाई देंगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको प्रोडक्ट्स जो मैं डेली केयर रूटीन में यूज़ करती हूँ, और आपको बोलूँगी कि आप भी उनको यूज़ करके देखिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, गिने चुने 4-5 प्रोडक्ट हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनको अपने डेली केयर रूटीन में लेकर आना है। आप यकीन मानिए, अगर आप इनको अच्छे तरीके से अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो गर्मियाँ, गर्मियों में हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो मोस्टली सभी को सनस्क्रीन अपने फेस पे और हैंड्स पे अप्लाई करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर जो सनस्क्रीन का यूज़ बता रही हूँ वो पॉन्ड्स की सनस्क्रीन है। रियल में बहुत अच्छी और काफ़ी इफेक्टिव सनस्क्रीन है। इसको आपको यूज़ क्या करना है कि आप इसे, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए। थोड़ी सी क्वांटिटी जब आप लेंगे, बहुत माइन्यूट सी क्वांटिटी आपको इसकी चाहिए होगी, और इसमें थोड़ा वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट है। मीन्स अगर आप इसको अप्लाई करते हो अपने फेस पे तो उसके बाद में आपको ना किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये आपकी स्किन पे वाइटनिंग इफेक्ट भी देगी। आप देख सकते हैं आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी ग्लो करेगी, आपकी जो स्किन है इस तरीके से ग्लो करेगी और फेस पे एक लेयर बन जाएगी अच्छे से। बस आप इसको मर्ज करिए लाइक दिस। अभी मैंने जितनी क्वांटिटी ली है आपके फेस के लिए सफिशियंट है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है। लेकिन आपको एक सजेशन दूंगी, जब भी आप घर से बाहर निकलो तो कम से कम 20 मिनट्स पहले सनस्क्रीन को अपने फेस पे अप्लाई कर लो। यकीन मानिए, आपको इसके अलावा कुछ और चीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग भी, जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होगा वो भी इसको यूज़ कर सकता है, और जिसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो गाइस, जब भी आप धूप में घर से बाहर निकलें तो आप इस पॉन्ड्स के प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये नाइट क्रीम, लोटस की नाइट क्रीम, ये रियल में बहुत अच्छी है। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ और मैंने अपने कई फ्रेंड्स को और फैमिली में इसको रेकमेंड किया है। एक तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी अच्छी है लाइक दिस। ये भी आपको थोड़ी सी ही क्वांटिटी में लेनी है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी। रात को आपने फेस को वॉश किया, वॉश करने के बाद में आपने क्वांटिटी ली इस तरीके से, ठीक है। इसको लेने के बाद में एक ये जो गुड वाइब्स का रोज हिप ऑयल है सीरम, इस सीरम को आपको क्या करना है, केवल इसकी 2 ड्रॉप्स आप इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद में इसकी ये 1 एंड 2 ड्रॉप्स इसमें डालिए। डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद इसे आप अपने फेस पे अप्लाई करिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको ये रोज हिप ऑयल क्यों यूज़ करना है। रोज हिप ऑयल हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और आप अगर नाइट में
नाइट क्रीम अगर अपने फेस पे आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपको मॉर्निंग में 100% दिखाई देगा। देखिए आप नॉर्मल यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नाइट क्रीम को रोजी ऑयल के साथ में यूज़ करते तो आपको इसका रिजल्ट बेटर मिलेगा। मीन्स नाइट केयर रूटीन में आपको फेस को डेली वॉश करके केवल नाइट क्रीम अप्लाई करनी है। अभी मैंने जो क्रीम ली हुई है ये एंटी एजिंग है। मैं सजेस्ट करूँगी आप 25+ हैं तो एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, और यकीन मानिए इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी स्किन जब आप सोओगे ना आपको स्किन का ये टेक्सचर मिलेगा, मीन्स ऐसे ग्लॉसी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके अलावा मेरे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है लोटस की डे क्रीम। डे क्रीम देखिए गर्मियों में तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसका भी सेम टेक्सचर है जैसे आपकी नाइट क्रीम का टेक्सचर है, ऐसे ही डे क्रीम का भी है लाइक दिस। बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसको भी आपको अप्लाई करना है तो फेस पे आप स्पॉट्स पे लगाइए अपने फेस को, फेस पे इसको अप्लाई कीजिए इस तरीके से टैप टैप करके, और धीरे धीरे इसको रब करिए। ये भी आपके फेस पे वाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है। आप अच्छे से मर्ज करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं मोस्टली जो डे क्रीम है वो विंटर्स में यूज़ कर लेती हूँ, समर्स में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। देन एक बहुत अच्छी चीज़ है फेस मिस्ट, ये गुड वाइब्स का मैंने यूज़ किया है, गुड वाइब्स का, जो गुड वाइब्स का फेस मिस्ट है इसको आप कभी भी अपने फेस पे स्प्रे करिए और छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद आपकी स्किन में ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद में आपके फेस को काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगा। बस आपको ये इस तरीके से स्प्रे करना है और फिर इसको छोड़ देना है। आप चाहो तो हल्का हल्का टैप टैप कर सकते हो, बस थोड़ी देर बाद ये सूख जाएगा। और इस रोजमेरी के एनर्जी फेस मिस्ट से आपकी जो स्किन है, स्किन का जो टेक्सचर है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी स्किन हेल्दी लगेगी। तो ये 5 प्रोडक्ट हैं जो आप रेगुलरली इनको यूज़ कर सकते हो और इसका आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना है मालूम है ना, वीडियो को देखिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिए। मोस्टली गर्ल्स, यार गर्ल्स, आप लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ इन प्रोडक्ट को आप यूज़ करके देखिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है ना सब में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ओके ना। एक चीज़ और, बेल आइकन, घंटा होता है ना, घंटा ज़रूर बजाएं जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। बाय बाय गाइज़।